बड़ी खबर है, दरअसल शराब फैक्ट्री में बाल मजदूरी पर यह जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बताएं, आबकारी अधिकारी को निलंबित किया, रायसेन का यह अधिकारी है। आबकारी अधिकारी के सस्पेंशन की जानकारी है। डिस्टिलरी में ये बाल मजदूरी पर एक्शन लिया गया, इसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश की सरकार ने ये बड़ा और ताबड़तोड़ एक्शन लिया। रायसेन का जो आबकारी अधिकारी है उसको सस्पेंशन, डिस्टिलरी में बाल मजदूरी पर एक्शन लिया गया। अकबर नगर में अभी तक के सबसे बड़े बुलडोजर एक्शन को लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं। अकबर नगर फेज टू को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। ये तस्वीर आपके सामने लखनऊ से है। और अब योगी सरकार का जो बुलडोजर है अकबर नगर फेज वन में गरज रहा है। पूरे अकबर नगर में करीब 1200 आवासीय घर थे और 110 कमर्शियल प्रॉपर्टीज थी। अकबर नगर फेज टू में ध्वस्तीकरण का जो काम है वो किस तरीके से चल रहा है। इस बीच 400 मकान तोड़ दिए गए, सिर्फ एक मस्जिद और मदरसा बाकी रहा। फेज वन में बचे हुए 800 मकान पर कार्रवाई जारी। ये पूरी कार्रवाई लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से की जा रही है। जिनके घर तोड़े गए हैं वो बहुत नाराज है, लेकिन भारी सुरक्षा के चलते कोई भी विरोध नहीं कर पा रहा है। मध्य प्रदेश के मंडला में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गौ तस्करों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर उसको ध्वस्त कर दिया। तस्करों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर घर बनाए हुए थे। इससे पहले कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 ट्रक गौवंश बरामद किए। तस्करों के पास से बड़ी मात्रा में गौ मांस और हड्डियां भी बरामद हुई हैं। करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। जिन लोगों के खिलाफ FIR हुई वैसे करीब 11 लोगों के घरों की जांच पड़ताल हुई तो पाया गया कि सभी के घर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए। लोकसभा चुनाव में महिलाओं को पैसे दिए जाने के लुभावने वायदे को असर चुनाव बीतने के बाद भी देखने को मिल रहा। बिहार के कैमूर जिले में खाते में रुपए आने की अफवाह पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं SCSP सेंटर पर खाता खुलवाने आई। महिलाओं की भारी भीड़ इकट्ठा होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं डटी रहीं। स्थानीय पार्षद का कहना था कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाने के वायदे को लेकर महिलाएं खाता खुलवाने के लिए पहुंची। यूपी के जौनपुर में अवैध ढंग से STP की जमीन पर भूमाफिया के कब्जे को जिला प्रशासन ने हटा दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर SDM सदर ने राजस्व विभाग की टीम के साथ अवैध ढंग से किए गए कब्जे को अतिक्रमण को मुक्त करवाया। मणिपुरी कार्रवाई के बाद इलाके के भूमाफिया मौके से फरार हो गए। इस जमीन की कीमत करोड़ों में है। प्रशासन के मुताबिक STP के अलावा कब्रिस्तान की जमीन पर भी कब्जा किया गया। राजस्व टीम ने जमीन का कब्जा STP के प्रोजेक्ट मैनेजर को दे दिया। मामले में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। राजौरी से खबर, पुलिस ने 2 कुख्यात नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। बड़ी संख्या में प्रतिबंधित दवाओं की खेप इनसे बरामद हुई है। इन्हें एक ट्रॉली बैग में लेकर पैक कर ले जाया गया। दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। दरअसल पुलिस ने जम्मू राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाका लगाया था। इस दौरान चेकिंग में 2 युवकों को संदिग्ध हालात में घूमते हुए पाया गया। पुलिस ने जब उनको पकड़ा तो भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद हुई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नेटवर्क के पर्दाफाश करने में पुलिस की टीम्स लगी हुई हैं। Z News.